मालूम। और ये बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, 6 स्टूडेंट्स वो जरा आगे आ जाएं, तो सर आपको कैप्चर कर लेंगे। आ जाइए, आगे इकट्ठे ही आ जाओ, इकट्ठे ही आ जाओ, एक एक बैग में से जितने जितने आ जाए, यहाँ आ जाओ ना, यहाँ यहाँ पे मैम दे देगी आप सभी को बैग। आप अपने अपने बैग मैम से कलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, इनको यहाँ पे देख के कैसा अच्छा लग रहा है? ये आप ही, अच्छा एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा बोला यहाँ पे कि जिनको हमने बैग दिए वो बैग नहीं लेके आते, अब वो बैग लेके आएंगे। तो अगर आप भी यहाँ पे बहुत सारे प्राइजेस जीतना चाहते हैं, तो मैंने पहले कहा है कि हमारे YouTube वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, मोटिवेटेड रहें। ऐसा सेमिनार दोबारा चाहते हो? ठीक है, तो इन्होंने मुझे दो मेल आईडीज दी थी यहाँ पे, आशु कालिया और विशु V09789 87। तो पहले हम किनसे, आशु कालिया से कंफर्म करवाएंगे कि इन्होंने एक मेल भेजी है इस मेल आईडी से, ASHUKALIA9465@gmail.com। अगर आपने भी देखा है तो ये फोन विशु विशाल का है, ये फोन आशु का नहीं है। अगर आप लाइव ये देखना चाहते हो ये कि ये जो मेल आईडी है इनकी सही है या नहीं है, आप सर इस मेल आईडी पे रिप्लाई करके देख सकते हो। मान लो खाली रिप्लाई करोगे ना, अगर आप कुछ भी रिप्लाई कर दो सर, इन्होंने लिख के भेजा हेलो भाई कुछ पैसे चाहिए मुझे कुछ पैसे चाहिए, हेलो ओके सेंड मी योर अकाउंट नंबर, ये लिख के दोबारा फिशिंग मेल को भेजोगे। नो ये मैं आप ही के आईडी पे, अच्छा अब ये अगर फिशिंग मेल को रिप्लाई करते हैं, ये है फिशिंग मेल, दोबारा बता रहा हूँ फिशिंग मेल है, डोंट ट्राई इट एट योर होम, ठीक है। जैसे वो जॉन सीना कहता है ना, घर पे मत करो, हम फेक कर देते, ये लेकिन फेक नहीं है। अच्छा ये इनके साथ एक चैट शुरू हो गई है, मैंने अपने लैपटॉप से कुछ किया वहां से और इनका मोबाइल इनके पास है। अब आप जरा रिफ्रेश कीजिए सर, अदरवाइज मेरा इंटरनेट यूज कर लो सर। ये देखिए जी, अब ये एक दूसरे से चैट कर रहे हैं, इनको ये नहीं पता कि ये मेल आईडी खेल कौन रहा है। तो एक हैकर ये चीज कर सकता है विदाउट एनी पासवर्ड, ठीक है जी। अब इन्होंने बोला है, अब विशाल जी ये मैसेज नजदीक आया सर, आशु कालिया ने जो मैसेज भेजा है, आशु कालिया ने पहले हेलो भेजा था, उसके बाद हेलो ओके की जगह 9K हो गया, ओके तो सेंड मी योर अकाउंट नंबर का मैसेज भेजा उन्होंने, तो ये अकाउंट नंबर तो भेज दिया। अब उनको ये नहीं पता कि मेल मैंने सेंड कब की, क्योंकि इनके सेंड के अंदर कोई भी मेल नहीं आई है। तो अगर ऐसा पॉसिबल है तो क्या आपके साथ हैकिंग हो सकती है? तो हैकिंग को बचाने के लिए ही साइबर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। अब समझ में आया? मैं बता देता हूँ वो कौन है। आज हमने यहाँ पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस किए हैं स्टूडेंट से और कुछ क्वेश्चंस करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो दो गिफ्ट ऑलरेडी दो स्टूडेंट्स ने जीत लिए हैं, कौन से हैं वो स्टूडेंट, अंदाजा लगाया कौन से, क्या नाम उनका? अरे एक सेकेंड, जरा जोर से तो बोला कौन है वो स्टूडेंट। एक स्टूडेंट तो आशु कालिया ऑलरेडी और दूसरे विशाल जी, जिनको
ये लगा है कि उनकी आईडी हैक हो गई है। विशाल की आईडी थोड़ी हैक हुई है, आ चुकी आईडी हैक। ओके ओके ओके। अच्छा आपके लिए भी चांस है, दो क्वेश्चन पूछूंगा गिन के, दो क्वेश्चन पूछूंगा गिन के, लेकिन थोड़े टफ, थोड़े से टफ क्वेश्चन पूछूंगा दो क्वेश्चन, ठीक है? आर यू रेडी? यस सर। उन दो स्टूडेंट्स को भी इनाम देंगे और बाकियों को जो रह जाएंगे अभी, उनके लिए मैंने 20 कोर्स A2IT ऐप के अंदर कम से कम 20 प्लस कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, और आशु ने बोला उनको समोसे भी मिलेंगे। ठीक है जी, ओके। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ है, साइबर सिक्योरिटी या एथिकल हैकिंग जब हम करते हैं उससे पहले कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कुछ नेटवर्क लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, ठीक है? मैं सिर्फ बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा। मैंने स्टार्टिंग के अंदर एक चीज बताई थी इनको, साइबर स्पेस, ठीक है जी? साइबर स्पेस के अंदर कौन सा डिवाइस है जिसके अंदर, हैंड रेस कर लेना बस, साइबर सिक्योरिटी स्पेस के अंदर या नेटवर्किंग के अंदर कौन सा डिवाइस है जिसमें डेटा स्टोर होता है, जिसमें डेटा स्टोर होता है? एक ही हाथ खड़ा है सर, इधर ही आ जाओ पहले, आइए आइए सर। जिसमें डेटा स्टोर होता है? नहीं जी, डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस किसमें स्टोर होता है वो पूछा था मैंने, हाथ खड़ा करो। लिनक्स सर्वर, लिनक्स। इनका नाम देखना, क्या नाम है सर? ये देखो हरमन ज्योत ने हमारा तीसरा इनाम जीत लिया। ओके 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 ओके, थैंक यू। अब आ गया लास्ट क्वेश्चन, अगेन लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा। साइबर सिक्योरिटी के अंदर अगर किसी को थोड़ा टफ पूछ लूं, क्यों टफ पूछूंगा, तभी थोड़ा सा कंपटीशन बनेगा। इजी, अच्छा एक इजी क्वेश्चन है, नेटवर्किंग पढ़ी है सभी ने? तो हैंड रेज कर लेना। नेटवर्किंग आपने पढ़ी है, आपने मुझे बताना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राउटर एंड स्विच, हैंड रेज कर लो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राउटर एंड स्विच, हैंड रेज, हैंड रेज। ओके राउटर स्विच, लेकिन मुझे इसका आंसर पूरा टेक्निकल चाहिए। दो तीन स्टूडेंट ने याद कर लिया, एक उसके अलावा दो और तीन, चलो भी पूछेगा इनसे भी, कोई दिक्कत नहीं है। तीन स्टूडेंट ने पूछे है ना, मैं तीनों से पूछता हूँ, तीनों से। अच्छा जी एक सेकेंड, इनसे पूछते सर राउटर स्विच में। सर राउटर से जो वो मल्टीपल नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं, जो okay. लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए स्विच यूज करते हैं। ओके ठीक है, ओके okay. अभी एक और भी कुछ बोलना चाहते हो इसके बारे में? जैसे मतलब ट्रैफिक बाहर भेजना हो okay. तो राउटर वहां काम आता है। ओके okay, तो इन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिए, बट मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ। अभी बैठिए बैठिए, क्या नाम है सर आपका? अभिषेक, अभिषेक। अच्छा जी, लगता भी सिद्धू मुझसे आ रही है। हाँ जी, हाँ जी सर। राउटर सर इंटरनेट से कनेक्ट करता है सर हमें। सर स्विचेस का यूज सर अलग अलग कंप्यूटर्स को अटैच करने में इस्तेमाल करते हैं। ओके, इन्होंने भी सही आंसर दिया है। अब हम देखते हैं लास्ट स्टूडेंट ने क्या आंसर सोचा है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? कीर्ति जी खड़े हुई है और आंसर दीजिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राउटर एंड स्विच? ओके, स्विच मल्टीपल होता है, वाईफाई भी राउटर होता है, और इसके अलावा स्विच से मल्टीपल डिवाइस। तो ये बैठिए बैठिए, तो एक चीज मैं आपको बोलना चाहता हूँ, तीनों स्टूडेंट के आंसर बिल्कुल सही है, तो मैं तीनों को गिफ्ट दे दूंगा यहाँ पे आज। अच्छा वैसे ये मेरी डिक्शनरी में नहीं था, ठीक है, बट मैं ऑन माई बिहाफ, क्योंकि आपने तीनों ने हाथ खड़ा किया था तीनों ने, तो मैं आप तीनों को गिफ्ट दूंगा यहाँ पे, ठीक है जी। और बाकी भी स्टूडेंट्स जो रह गए हैं यहाँ पे, वो भी अगर प्राइस जीतना चाहते हैं, जीतना चाहते हो, नॉलेज लेना चाहते हो, देखो नॉलेज भी लेना चाहते हो, प्राइस भी जीतना चाहते हो, तो ये वीडियो हमारे YouTube चैनल के ऊपर और Facebook चैनल के ऊपर अपलोड होने जा रहा है। इसमें आप सभी के नाम भी होंगे और प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन भी होगी। आप उसमें लाइक करके, कमेंट करके, जो क्वेश्चन मैंने इसमें पूछे हैं उसके आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना, आपको भी प्राइस मिलेंगे।
ओके जी।